अभी है हम लोग चर्च गेट में मौके हैं। यहाँ पे मेरे आफरीन के सबसे एडमिट है, उनकी तबीयत खराब है। सलाम करो, सलाम करो। दोनों सैलरी के अब्बा है, उनकी तबीयत खराब हुई है, तो परसों से इधर एडमिट है। और अभी लाइन पिज्जा जब रात में घर पे जाएगा तभी मैं जाऊंगी। और अभी जाके आप पार्टी देखो बोले तबीयत खराब है। हाँ बोले देखे तो काशी में मीरा रोड में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। अभी कोई टेंशन नहीं, आजू बाजू वाले खाली परेशान है हमने की बाकी बाकी सब सही है क्या है ना अल्हम्दुलिल्लाह। शूटिंग का बताओ ना अपना, कभी शूटिंग अपनी होगी? अरे अभी यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद 10 तारीख को। अच्छा 10 तारीख कहाँ है? मीरा कहाँ? काशी मीरा। काशी मीरा हम लोग की शूटिंग है। हम लोग शूटिंग है झंडे पे। झंडे पे बहन भाजी खाने ना सलमान। हाँ मेरे सलमान को कल से बुखार चढ़ गई बेचारे को रात से ना सलमान। मेरे सलमान देखो ये खा रहे पाव भाजी, और सलमान को भी रात से बुखार चढ़ गई। मैं भी अभी दवा खाना जाके आई हूँ। मेरी भी तबीयत नहीं अच्छी, तबीयत ख़राब हो गई मेरी भी, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है सब बीमार हो रहे। लेकिन मेरे बेटे को तो कल से शायद नज़र लग गई है ना, क्योंकि कल मेरा बेटा माशाल्लाह अलग अलग पठानी पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा था। और मैं तो दवा खाने से आई तो इधर ही देखो नीचे बेडरूम हॉल में लेट गई हूँ। ये सब चादर तकिया पीछे देखो, इधर ही हॉल में ऐसे ही लेट गई थी और आँख लग गई थी। और लाले ने बता दी देखो अभी क्या क्या भेजा। तो हम लोग को उठने की भी ताकत नहीं, तो इधर ही पाव भाजी खा रहे। ये हमारी जारू आपने खिचड़ा भेजे था, आज खिचड़ा बनाए थे सब मिलके, मैंने लाले ने भी उसमें पैसा डाले थे। तो देखो ये खिचड़ा भेजे थे, इधर डब्बा भर के, ये पूरा डब्बा भर के गरम गरम खिचड़ा भेजे। और लाले ने पाव भाजी भेजे थे, और इसमें पपैया है, और ये बटर और खारी, और इसमें है आम बहुत सारे, और वो केला मुझे वार्निंग देके भेजे केला मत खाना तू। फिलहाल मैं केला नहीं खाऊंगी, और खिचड़ा भी थोड़ा खाई लेकिन दिल नहीं कर रहा खाने का। फिलहाल पाव भाजी हम दोनों बाँ बेटे खा रहे ना सलमान। मेरे बेटे को सर दर्द, पाव दर्द, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मेरा बेटा चद्दर बद्दर सब ओढ़ के वो भी सोया था। हाँ और कल से एग्ज़ाम भी एक तो चालू है, बस अल्लाह ना करे सुबह तबीयत ख़राब हो, क्योंकि एग्ज़ाम है ना। अभी बज रहे देखो सुबह के कितने, 5 बज रहे है ना, 4:30 बज रहे। और मुझे भी इतनी ठंडी बुखार चढ़ रही है, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी बेचारे को इतनी ठंडी बुखार है। और बता दे रुका मेरे सलमान को भी इतनी ठंडी बुखार है, अभी ये ठंडे पानी की पट्टी रख रही हूँ। और अभी रघुवीर को फ़ोन करी थी, तो रघुवीर ने अभी कुछ दवाई व्हाट्सएप पे भेजे है, अभी आफरीदी को भेजी लेने के लिए। मेरे बच्चे को तो शायद कल से नज़र लग गई है, क्या पता नहीं क्या हुआ है, हम दोनों माँ बच्चे बीमार हो गए हैं। और ये मेरा बेटा ऐसा, इसको ज़्यादा तबीयत भी ख़राब होगी तो जल्दी बताता नहीं है, लेकिन ये बेडरूम में मेरे साथ में ही सोता है, और उसको देख के मुझे भी कुछ हो रहा है कि मेरे बच्चे अपने तलाकार तबीयत ठीक ख़राब होगी चलता है, लेकिन बच्चे लोग की तबीयत ख़राब होगी तो समझ सकते हो ना आप लोग है ना। तो अभी ये पूरा उसको ठंडी भी लग रही है, लेकिन ठंडे पानी से पूरा बदन पोंछने का है, कि
क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, उससे बुखार से मेरे बेटे को देखो ना मुंह भी एकदम रेड रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा बुखार है क्योंकि रात से हम लोग को बुखार थी दोनों माँ बेटे को, सर्दी खांसी हो गई है, ठंडी बुखार, खांसी तो इतनी नहीं हुई लेकिन सर्दी और ठंडी बुखार बहुत है। तभी रघुवीर ने दवा दी है बेचारे ने, भेजे व्हाट्सअप पे, अभी भेजी हूँ, और दुआ करो कि मेरा बच्चा जल्दी अच्छा हो जाए। हाँ देखो बहुत ज़्यादा उसको बुखार है मेरे बेटे को, और बच्चे को तकलीफ होती है तो सब में ज़्यादा माँ को ही तकलीफ होती है ना, क्योंकि अपने को कुछ होएगा चलेगा, अपने बच्चे लोग को नहीं होना चाहिए। हम तो हमारे दुश्मन के ही बच्चे लोग को दुआ करेंगे कि उन लोग को भी कुछ ना हो। कपड़ा भी गर्म हो जा रहा है कि इतना मेरे बेटे का सर गर्म है, फिर ये ठंडे पानी से डीप कर करके, ठंडे पानी से डीप करके फिर उसको सर पे रख रही हूँ, क्योंकि रात में मेरा बच्चा और मैं सो ही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरे बेटे की, और कल सुबह एग्ज़ाम भी है, बताओ सुबह एग्ज़ाम भी है, कैसा जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम में तो 10 बजे तो स्कूल छूट जाएगी लेकिन उसको हो नहीं रहा है मेरे बेटे को, ये सुनो ये मम्मा चलता दवाखाना, हाँ पापा, अच्छा अभी रघुवीर अंकल दवा भेजे ना वो खा के देखा, नहीं होगा तो फिर अपन दवाखाना भागेंगे। हाँ क्योंकि पहले भी मैंने रात को जब दवाखाने से मैं बॉम्बे से आई थी तो उसको भी दवा खिलाई थी, मैं भी खाई थी, लेकिन फिर से को बुखार से पूरा रेड रेड हो रहा है मेरा बेटा। ज़्यादा बुखार है क्योंकि इसके बाजू में मैं मेरा बेटा मेरे साथ में ही बेडरूम में सोता है और ये मुझे पकड़ के सो रहा है, इतना ठंडी में चिपक के सो रहा है, तो मेरे को भी बुखार इसको भी बुखार, दोनों के आंग इतने गर्म है। मेरा तो ठीक है, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी, बच्चे लोग बेचारे कैसे बर्दाश्त करेंगे ना, लेकिन फिर भी मेरा बेटा ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा सलमान जल्दी कोई चीज़ कोई तकलीफ अपनी बताता नहीं है, और उसको अभी देख के मेरे को कुछ हो रहा है, जब देखो मेरे बच्चे को, दुआ करना कि जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाए। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक तो ठंडी बुखार से ना बदन बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तो बेचारी मेरी बेटी आफरीन ने मेरे पाँव में पूरा तेल भी लगाई, पाँव पाँव दबाई 2:30 बजे, फिर वो उसके बेडरूम में गई। क्या हो राजा, कुछ क्या हो रहा राजा तेरे को, पूरी ना दवा लाएंगे ना अफो भाई, अभी सलमान भाई और अफो भाई गए दवा लाने, दवा लाएंगे ना थोड़ा खा के देखने, तो फिर दवा खाना डायरेक्ट जाएंगे। हाँ क्योंकि अभी ठंडी बुखार की हवा भी बहुत ज़्यादा फैली है। हमारे गोद में सोता, हाँ आ इधर सुलाओ, कुछ दवा रघुवीर ने भेजा व्हाट्सएप पे, खिलाती हूँ भी देखती हूँ, थोड़ा आराम गिरेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दवा खाना लेके भागूंगी। अभी 3 दवा दिया है खिलाने क्योंकि सुबह उसके एग्ज़ाम है, है ना, तो आओ चाय पीने, हम लोग पीने चाय, और चाय बनाई हमारी मुबीना ने, मुबीना अस्सलाम वालेकुम, मुबीना खिचड़ा भी लेके आई और चाय भी बना के दी। ये मेरी तबीयत अच्छी नहीं है करके मैं सो कर रही, दवा खा रही, उतनी नींद आ रही है, तो मुबीना वहाँ पर आई, उठाई मेरे को, चाय बना के दी। अभी रात के बज रहे 11:30 बज रहे होंगे ना, 11:30 हो रहे, और ये लाइव चैनल पर जरा, और आज जाने का था मुझे थोड़ा कुछ खुलासा करने के लिए, जो कि एक लेडीज़ ने हम लोग पंखा भी बंद करे 5 मिनट, जो कि एक लेडीज़ ने हम लोगों को फ़ोन करी थी, बरेली शरीफ कहाँ से करी थी पता नहीं, उसने रिजवाना भाभी से मेरा नंबर लेके भी मुझे फ़ोन करी, बोले नदीम तुम लोग के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन फिर वो लेडीज़ को अगर फ़ोन करा गया तो लेडीज़ बोलती मैंने ऐसा कुछ बोली नहीं हूँ, और नदीम भाई खुद बोल रहे हैं कि हम लोग ने आपा मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला हूँ,
तो मैं इतने कच्चे कान की नहीं हूँ कि फटाक से डिसीजन ले लूँ या किसी के लिए अनाप शनाप बोल के वीडियो डालूँ। तो मैं नदीम भाई के लिए कुछ वीडियो गलत बोल के नहीं डाल सकती, जबकि अगर वो लेडीज़ बोल रही थी तो यास्मीन आपा ने उसको फ़ोन करे तो बोल रही मैंने ऐसा कुछ बोली नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं, फिर वो लेडीज़ ने फ़ोन भी बंद कर दी। तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो झगड़े लगाने की कोशिश कर रही है। इधर झगड़ा चल रहा है रिजवाना का और हाजी भाई का, है ना, भाई भी काय का, वो सिर्फ हाजी है, हाजी भी नहीं, वो सिर्फ हारून है, हाजी बोलने का भी कलंक है। तो ये लोग का झगड़ा चल रहा है, उसमें सब बोलते ना जलते तवे पे सब अपनी रोटी सेक रहे, वैसा मत करो क्योंकि मैं किसी के भड़काने पे आऊँगी नहीं। और गोल्डन ग्रुप किसी के बाप से नहीं डरता है ना, गोल्डन ग्रुप का कोई आके घर नहीं चलाता है। और हम लोग वीडियो इसके लिए रिजवाना को भी बोले थे, तू भी वीडियो मत डाल, वीडियो बना के मत डाल, क्योंकि हम लोग खुद बैठ के सब बात करने वाले थे, है ना। वो तो एक वीडियो रिजवाना को जबरदस्ती बोल के डाला गया कि तू भी पब्लिक को अपनी सच्चाई बता, कि उसके बाद से हाजी लाइफ में आ रहा है, हाँ कि वो हारून लाइफ में आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, अगर तेरे पास भी कुछ प्रूफ है तो बता ना तू भी। और जबरदस्ती रिजवाना को पीछे से बदनाम कर रहा है कि किधर गई थी, दुबई गई थी, पहले वाले आदमी के पास 15 दिन रह के आई, तेरे पास क्या सबूत है। हाँ, अगर उसको कमाना है, घर से बाहर निकलना है, तो किधर भी जाएगी ना पैसा कमाने, तो बैठे बैठे उसको खिला तो वो किधर भी नहीं जाएगी। ये आदमी लोग की फितरत है, क्योंकि मैंने सब झेल चुकी हूँ, है ना, कि अब उसका रिजवाना के साथ चक्कर है, इसका चक्कर है, 50 लोग के साथ में चक्कर रहते, तू बैठ के रिजवाना का पूरा कर रहा था क्या, है ना। और नदीम आज मैं जो है कुछ लोग बुलाए थे नदीम से बात करने के लिए कि बैठ के बात करेंगे, लेकिन मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, अब देखूंगी अगर थोड़ी देर में तबीयत सही हुई तो जाके तो आऊँगी और वीडियो बना के डालूँगी कि ये नदीम है और इसने हमारे बारे में क्या बोला क्या नहीं। फिलहाल तो जो औरत झगड़े लगा रही थी उसने अपना फ़ोन क्यों बंद कर दिया, अगर सही रहती तो फ़ोन चालू रखती ना, है ना। और नदीम तो डायरेक्ट बोल रहा है नदीम भाई के, मैं किसको कुछ बोला नहीं वापा कुछ नहीं, वो तो यास्मीन आपा लोग को सबको बोल रहा है कि मैंने, भाई को बोल रहा है, आज भाई ने भी बुलाए थे बैठ के बात करने के लिए, जाने वाले थे लेकिन भाई ने भी उसको चिल्लाए, तो नदीम भाई बोल रहा है कि मैंने किसी को भी कुछ बोला नहीं हो। उल्टा नदीम भाई तो खुद रिजवाना लोग के तरफ से बोलने आने वाले थे, फैसला करने वाले थे। और ये मत सोचो कि हम लोग चुप बैठ गए तो कोई रिजवाना की तरफ से बोलने रहा है, कुछ नहीं, हम लोग सब रिजवाना की तरफ से ही है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते ना कि सोशल मीडिया पे और हाजी के रास्ते लगे, है ना। इले ना थोड़ा वासे बना, मेरा हाथ दुख रहा है। तूने ना कुछ ना कितनी गड़बड़ बड़बड़ बोली भी बाजी को, अब तो रिजवाना भाभी को बोली, बोले देखो अभी हाथी चलते 50 कुत्ते तो भोगते भोगेंगे, तो किसी की सुनने का नहीं है, 50 लोग मेरे को अलग बोलेंगे, तुमको अलग बोलेंगे, उसको अलग बोलेंगे, तो अपन क्यों किसी। मैंने वही बोली, तुम उन लोगों को बोलो जो भी बोलता है ना, उसको बोलो लाइक किया अपना नाम बताओ, बता भाई मुझे ये बोला करके, आने को राजी नहीं हो रहे। और नदीम भाई बोलता है ना, उसने बोला भाई को यास्मीन आप लोगों को क्या, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला कुलसुम आप लोगों के बारे में, नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं बोला मैंने। से 1.5 साल से बाजी से लोग से बातचीत पूरी बंद थी, 1.5 साल बातचीत पूरी बंद थी, तुम लोग कैसा भी बात नहीं कर सकते ना, मगर इनके बारे में जरा भी बुराई बिल्कुल भी नहीं करना, तुम्हारे बारे में किसी भी बारे में नहीं करे, ये जबरदस्त बीच में नाम डाल दिए हाजी भाई अपना कर रही है। नदीम भाई के बारे में ऐसा बोले वैसा बोले, मुबीना झूठी है, मुबीना को बुलाओ, मुबीना मैं इधर बोलती हूँ उधर, बाप रे कल क्या था वैसा चालू था, फिर आप तीन बजे मेरे को बहुत ठंडी बुखार, मेरे सलमान को इतनी ठंडी बुखार, फिर कल रात को मैं 1:30 बजे कल सो गई थी, तो यास्मीन आपा ने फोन करे थे, यास्मीन आपा भी था, उनको भी फालतू फालतू कमेंट करे जा रहे थे, यास्मीन आपा से ही बात हुई, पठान से ही बात हुई, तो आज बुलाए थे बात करने को रात को, लेकिन मैं खुद अभी 12 बजे हाँ कल बोले थे आपा की भी तबियत खराब है उसका, हम लोग परेशान नहीं करेंगे, तो वही अगर इन लोग का झगड़ा चालू है ना रिजवाना का और हाजी का, तो तुम लोग तुम्हारी छक मत मराओ आके ना। और मेरे बारे में पब्लिक क्या जानती, मेरी खुली किताब है, और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, और सब लोग बोल रहे ना कि चुप बैठ गए लाइफ पे आए नहीं रिजवाना के बारे में कुछ बोले नहीं, तो कुछ, और आप लोगों को पता है मैं जल्दी लाइव आती नहीं, अगर जितने लोग मुझे अच्छी तरह से जानते रहे सबको पता है मैं अभी अजमेर में आई थी लाइव, और उसे रिजवाना भाभी के साथ में जुड़ी, बाकी मैं जल्दी लाइव आती नहीं हूँ।
कि मुझे मेरा काम नहीं रहता भारी रहता, मैं कहाँ लाइव आऊँ। बहुत से लोग मुझे बोलते भी लाइव आने, लेकिन मैं लाइव आती नहीं, तो ये मत सोचो कि लोग डर गए, ये लोग रिजवाना का साथ नहीं देंगे। हम लोग रिजवाना का ही साथ देंगे और आगे तलक का देंगे, और हम लोग बहुत जल्दी सब बैठ के फैसला भी करने। और एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे आफरीन के ससुराल हॉस्पिटल में थे, और अभी मेरी तबीयत नहीं अच्छी। मैं सलमान को भी क्या मालूम बटे के बाद से उसको भी ठंडी बुखार बहुत हो गई है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था। अगर मैं फ्री हो गई तो सब बैठ के हम लोग रिजवाना को बिठा के सब हम लोग रिजवाना की तरफ से ही फैसला करेंगे। अगर रिजवाना बोले कि डिवोर्स चाहिए तो वो उसको डिवोर्स मिलेगा, क्योंकि ऐसे आदमी ऐसे के पास रहने से अच्छा है तो उसको डिवोर्स ही दे दो भाई। वो अपनी लाइफ अपने बच्चे लोगों को जैसा रहना चाहे रह सकते, अपनी लाइफ है ना। और ये कोई कानून ने नहीं बोला है कि जबरदस्ती औरत को आदमी के साथ में रहना ही रहना है करे भाई। सब लोग बोलते गुना होएगा, तलाक गिराएंगे, ये होएगा। अरे भाई उन लोग की मर जाए, ऐसी वो जीते जी मर जाएगी। आदमी कौन सा अच्छा है जो उसे छुटकारा नहीं दिलाएगा। आज इतना मारा है कल तो मार भी डालेगा उसको। तो हम लोग जो कोई भी है सब रिजवाना के साथ में, और गलत गलत अफवाह मत उड़ाओ। थोड़ा ये करे क्यों करे बैठ गए, जब टाइम आएगा ना, जब हम लोग रिजवाना को किधर साथ देने का, हम लोग उधर भी साथ देंगे और तो जिंदगी भर देंगे। क्योंकि रिजवाना किधर भी गलत नहीं है, और रिजवाना को कोई फोन वगैरह बोलता उसने ऐसा फिर उसका चक्कर है, उसका चक्कर है, तो भाई ये गाँव दुनिया है, झगड़ा लगाने के लिए कुछ भी बोलेगी, है ना। आपको मालूम है रिजवाना कितनी सही है और कितनी गलत है। आज वो सही है करके हम सब उसके साथ में खड़े हैं, ठीक है। और हम तो यही बोलेंगे कि ज्यादा है, तुम लोग भी अपने लफड़े झगड़े अपने तलक का ही रखो भाई। रिजवाना मेरे हमारी सबकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि हम लोग खुद हमारी लाइफ से परेशान है, है ना। मेरे को तो लगता था मेरी जिंदगी ऐसी, लेकिन रिजवाना भाभी को देख के लगता है कि यार मेरी जिंदगी तो उससे भी दम हो है। तो ये हराम खाओ आदमी लोग रहते ना ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि रिजवाना भाभी को देख के मेरा दुख दर्द मेरे को बोलते ना बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे मुंह से बाहर निकल गया। और क्या बोलूँ मैं, रिजवाना भाभी तुम जरा भी टेंशन नहीं लेना, भले हम लोग वीडियो नहीं डालते कुछ नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ में है। और वो जो लेडीज फोन करके तुमको मेरे को नेस को सबको फोन कर रही थी, उसके बाद पे तो गौर नहीं करना, क्योंकि मैं जब तुम्हारा फोन आया तभी मैं कल ही बोली थी कि ये सब छोटी छोटी बात का फोन आएगा, ये आएगा, सब गौर करने का ही नहीं, ये सब बात को इग्नोर करने का। अगर हम सब बात को इग्नोर करेंगे ना रिजवाना भाभी, तो हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है जंग की, बोलते ना आगे आगे देखो पब्लिक कितना नाम रखेगी, कितना क्या करेगी, लास्ट में खुद थक के चुप बैठ जाएगी, है ना। तो हमको हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारे बच्चे देखना है। ये सब फजूल की ये एरे गेरे लोग आएंगे छूती है लोग, उसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला। और जो लेडीज थी वो सच में सब जगह झगड़ा लगा रही थी कि कुलसुम ऐसा, ये वैसा, गोल्डन ग्रुप ऐसा, तो सब गलत बात थी, है ना। हालांकि देखो मैं भी अगर लेडीज का सुनती और फटाक से डिसीजन लेके मैं बोलते ना नदीम भाई के लिए अगर वीडियो बना के डाल देती, गाली गलौज कर देती उसको उल्टा सिल्टा, तू कौन होता मेरे को बोलने वाला, ये बोलने वाला, तो ये गलत होता। पहली बात तो मैं सबको पता है कि मैं बहुत गौर से एकदम डिसीजन लेती हूँ, फिर मैं अपना मुंह खोलती हूँ। फटाक से मैं अपना मुंह नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत है तो वैसे सामने वाले की भी इज्जत है ना। और हमको नहीं पता कि वो बात सही है कि गलत है करके, तो हम किसी के बारे में फटाक से डिसीजन नहीं ले सकते। हालांकि उस दिन जब ये आपको भाई को वीडियो के वो जब लाइव पे सब लोग बोल रहे थे, नदीम ने ऐसा बोला कुलसुम के बारे में, वैसा बोला वैसा बोला, तो मेरे भी घर वाले सब आए थे फटाक से कि कौन नदीम है, चल उससे बात करते, वो क्या जानता है, उसको क्या मालूम है वो तेरे बारे में ऐसा कैसा बोल सकता है। स्पीकर से हटा था ना, स्पीकर पे नहीं, तो नहीं पहले मैं उससे मिलूंगी, नदीम से मैं बात करूंगी उससे, फिर मैं मेरा डिसीजन लूंगी कि उसने सही बोला या गलत बोला, कि वो लेडीज सही थी या गलत थी, है ना। क्योंकि हमको किसी के भड़कावे पहले आने का नहीं है। ये मैं रिजवाना भाभी को भी वही बोली थी, रिजवाना भाभी ये सब बात इग्नोर कर देना, है ना मुझे ना, ये सब बात इग्नोर कर देना, ये सब बातें ध्यान मत देना। तो देखते अभी अभी तो मेरे को जरा भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर भी आ रही है, मेरी तबीयत सही नहीं है। कल इंशाल्लाह अगर मैं फ्री हुई ना तो कल हम लोग सब बैठ के नदीम से ही बात करेंगे, और इंशाल्लाह कल रिजवाना के इधर भी जाके भी उसका भी फैसला करेंगे, है ना। और ये इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की पब्लिक ये मत समझना कि कुलसुम आपा ही बोल रहे थे चुप बैठ गए, सब में आगे जरूरत पड़ेगी ना, तो कुलसुम आपा ही रिजवाना के लिए खड़ी रहने वाली है ना। जब ऐसे ये वीडियो बना के डाल के उससे कुछ फैसला नहीं होता, बैठ के फैसला करने से
उस चीज का हल निकलता है, है ना रे मुमिना? सही बात है। सोचते समझते नहीं किसकी भी फोटो किसका कहाँ से भी निकालते, जोड़ी बना के ये ऐसा करी वैसा, झूठ बात नहीं करना, जो बात है उसी पे है। और जो हुआ है नवपाजी के बारे में तो मैं भी उनके साथ ही हूँ, जो गलत है तो गलत है। और हम सब मुमिना के साथ में ही है, क्योंकि सबको सच्चाई पता है कि कौन कितना सच है और कितना झूठ है करके, है ना? तो ठीक है, कल का वीडियो में हमारा आगे देखते रहना, और आगे के वीडियो में, ये वीडियो में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बस इतना ही थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है कि आज मैंने वीडियो नहीं डाली, तब डालना जरूरी समझी, इसके लिए डाली मैंने। और ये खास करके मैं रिजवाना के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जितना भी हो सके रिजवाना को सपोर्ट करो, है ना? और जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो हमेशा गलत है, क्योंकि हमारे ऑफिस पे इतने सब मैटर आते रहते हैं, औरत आदमी के, भाई बहन के, प्रॉपर्टी के, घर के, ये सब मैटर आते रहते हैं, हमारा काम दिन भर यही सुलझाते रहना। तो जो सही हमको लगता है वो सही फैसला करते हैं, जो गलत लगता है उसके तो हम लोग धज्जी उड़ा देते हैं। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। देखो मुबिना ने लाई खिचड़ा, एक लाले घर पे जाएगा, और ये दो ऐसा मेरे घर पे लाई थी खिचड़ा मुबिना ने हमारे यहाँ, और मैं भी थोड़ा खा के टेस्ट भी करी, एक नंबर है। और ये घर पे देखो आफरीदी लोग ने अभी चिकन फ्राई करे, तुम लोग नहीं करे ना रे? ये आफरीदी, ये सलमान, नमक ज़्यादा है अब जैसा लोग ने फ्राई करे, तीखा करे रे फ्राई? तीखा ये खा रही हूँ मैं। लाली भी जस्ट अभी आए, चिकन खा रहे लाला तो, और सलमान खिचड़ा है ना? कौन सा खिचड़ा लेके आ रहा है वो? ये लाले के घर पे भी मुबिना ने खिचड़ा लाई थी, उधर लेके जा रहे अभी, है ना? जा। और ये देखो चारों सेफ थे, मतलब चारों सेफ थे। और हम लोग खा रहे अभी ये चिकन, देखते अभी कैसा है। हाँ मुबिना देखो फिर चाय बनाई है ना, अभी लाले आए तो चाय बनाई, खिचड़ा एक नंबर बनाई। हाँ मस्त, अभी तो मैं खिचड़ा तो खा रही थी। हाँ लेकिन खाए, अब जितना हो सकेगा उतना ही खाऊंगी ना मैं, अब अच्छा भी नहीं लगा रहा कुछ खाने, अब चिकन खा रही हूँ ना। ये किसका डब्बा? इधर का ही है। हाँ ये इधर का है। एक टोप में निकाल देना, टोप में निकाल के थोड़ा गर्म कर देना, खराब हो जाएगा। चिकन तो एक नंबर है, खिचड़ा अच्छा था। मेरी अम्मी और मेरी बहन को देखने को आए, और मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मेरी अम्मी ने मेरे सलमान को अंगूठी लाई सोने के लिए। छोकरी लोग को तो गिफ्ट मिलता है मिलता है, अभी हमारे छोकरे लोग को भी नानी गिफ्ट ला रहे हैं ना। सोने की अंगूठी लाई मेरी अम्मी ने, और हम लोग माँ बेटे की तबीयत खराब है, इसकी भी खुद की तबीयत खराब है, हम लोग देख रहे हैं वो दिन में बंद है सेकंड हाफ है ना, ऐसा नहीं करने का, आते रहने का, बड़ी बहन बोली अभी घर बड़ी बहन का घर से रहे हैं, घर में रह रहे ना और बीमार हो जाते। मैं खुद दौलत नगर आने वाली थी, आज मैं वो बिना ने आके उठाई।